खुद ही बनाया, खुद ही टेस्ट करना है। आप लोग टेस्ट करके बताएं। कोई उम्र नहीं होती है किसी भी चीज को सीखने की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और हैप्पी होंगे मेरी तरह। तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है, अभी आपने देखा मैंने पूरी किचन क्लीन कर लिया है। और वो अभी टीवी देख रहा था तो जोर जोर से हंस रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है क्या बोले, थोड़ा साइलेंट मोड में ही मैंने वीडियो शूट कर लिया उस टाइम पे। तो पूरी किचन मैंने क्लीन कर लिया है, मेरे बेडरूम भी पूरे सब क्लीन हो चुके हैं एकदम, सारे घर की अच्छी तरह से मैंने सफाई कर ली है। शिल्पी अभी ले रही है शावर, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। ये वाला बेडरूम भी मेरा पूरा सब क्लीन हो चुका है, सारा ही काम मेरा सुबह सुबह का जो भी होता है खत्म हो चुका है। किचन भी मेरी पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है, थोड़े से मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए हैं, वो मैंने सूखने के लिए भी डाल दिए हैं, और थोड़े से बाकी हैं वो बाद में करती हूँ क्योंकि अभी मुझे भी शावर लेना है, तो जो मेरा नाइट ड्रेस है वो भी मुझे धोना है, तो उसके बाद फिर वो करती हूँ। और हाँ, आज मुझे बनाना है मालपुआ। मैं तो मैं काफ़ी टाइम से वैसे सोच रही थी मालपुआ बनाने का, मैंने कभी बनाया नहीं है, खाया मैंने ज़रूर है लेकिन कभी भी घर पे नहीं बनाया है। तो आज मैंने सोच के रखा हुआ है कि आज मालपुआ बनाऊंगी, जैसा भी बनेगा, अच्छा बुरा जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो। तो चलिए शिल्पी आती है, फिर मैं शावर लेती हूँ, तब तक मैं थोड़े से बर्तन है उनको क्लीन कर लेती हूँ और जो कपड़े धो के रखे हुए हैं उनको सूखने के लिए डाल लेती हूँ। तो अखिल चला गया है, उसके पापा भी चले गए हैं और आपको मैं अपनी फिश दिखाती हूँ, जो छोटी छोटी फिश है ना, मैं लेके आई थी, थोड़ी सी बड़ी होनी शुरू हो गई है वो। ये देखिए, ये वाली थोड़ी बड़ी हो गई है मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए, और अबे तीसरी वाली कहाँ गई? ओह वो तो गायब है कहीं, छुप के बैठी होगी इधर। हाँ इधर है पीछे, ये जो पंप है ना इसके पीछे छुप के, ये आ गई ये थोड़ी छोटी है अभी। और हमारे बाजू में ना, हमारे बाजू वालों का फिर से काम शुरू हो गया घर का, तो फिर से ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो क्या करें, दो दिन से शुरू है इतनी दिक्कत होती है ना सच में, पूरा दिन बस सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। घर का काम करवाना है तो क्या बोल सकते हैं ना, रहने के लिए भी आएंगे वो थोड़े टाइम के बाद। वैसे जो फैमिली यहाँ पे रहने के लिए आएगी उनसे मेरी एक दो बार मुलाकात तो हुई है, बात भी हुई है, फैमिली तो बहुत अच्छी है, यूपी के हैं शायद, मैंने मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने उनसे बात करी है उससे तो मुझे यही लग रहा था बात करने से कि वो यूपी के हैं। तो चलिए जो भी होगा आगे आगे आपको बताती रहूँगी। हाँ, जो मालपुआ की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने अच्छे से बनाई है कि मुझे वैसे प्रॉपर तरीके से तो नहीं आते, लेकिन जो भी मैं बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ज़रूर। तो चलिए शिल्पी आ गई है और मैं चलती हूँ, ये वाला एरिया तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा मेरे घर का क्योंकि सारे काम यहाँ पे ही होते हैं, जो भी हम लोग करते हैं सब यहीं पे ड्रेसअप होते हैं। हालांकि बड़ा मिरर भी है जो फुल साइज का होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए वो सामने, लेकिन इसमें कोई नहीं देखता है, बस पूरा ड्रेस देखना हो तो उसी में देखते हैं, अदरवाइज सब इसको ही यूज करते हैं यहाँ पे। इसके साथ का एक और भी है मेरे पास, तो वो अभी मैंने लगवाया नहीं है, जो मैंने दमन में अपने बेडरूम में लगाया था वो वाला, तो जो ड्रिल करने वाले भैया थे वो चले गए थे उस टाइम पे, रह गया वो, तो मुझे वो भी लगवाना है अपने बेडरूम में। तो देखिए कब तक होता है। और ये वाली जो घड़ी है ना, ये वो मुझे यहाँ से चेंज करके यहाँ टीवी के साइड में लगवाना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना ट्यूबलाइट आती है तो दिखाई नहीं देता है, तो सोच रही थी बाजू वाले कर देंगे तो बेस्ट है, पास में ही है, थोड़ा दो होल करने हैं एक घड़ी के लिए और दो मिरर के लिए। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये टाइम के हिसाब से। और मैंने आज एक ब्लैंकेट वॉश किया है, ये छोटा सा जो हमारे बेडरूम में होता है ना, ये वाला,
मैंने आज इसको सुबह सुबह धो लिया तो इसको सूखने भी डाल दिया, थोड़ी देर में सूख जाएगा क्योंकि बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी भी होती है, जल्दी से सूख जाएगा, फिर उसको उठा के रख दूँगी। और मैंने दूसरा वाला कौन सा डाला है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये स्टार वाला, ये भी मुझे बहुत पसंद है, पूरे पे स्टार बने हुए हैं इसमें। ये वाला, ये भी अच्छा लगता है, एक ऑरेंज कलर का है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, शिल्पी आ चुकी है, मैं शावर लेके आती हूँ और उसके बाद करूँगी मालपुआ की रेसिपी शेयर। और अभी टाइम हो गया है, 2:30 बज गए हैं, मैंने लंच तो कर लिया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ स्पेशल बनाने का। हम पौंटा साहब में रहते थे तो वहाँ पे एक आंटी बनाती थी, तो वो बनाती थी मालपुए, बहुत टेस्टी बनाती थी वो, एकदम सॉफ्ट और क्रंची होते थे, मतलब बाहर से एकदम हल्के हल्के क्रंची और गोल्डन कलर के होते थे और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि ट्राई करती हूँ, अगर मेरे से बन गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जाने दो, कुछ नहीं। तो चलिए ट्राई करती हूँ आज। तो यहाँ पे मैंने ये नारियल तोड़ा है मैंने सोचा हरा होगा, लेकिन ये देखिए, और इस चीज़ से तोड़ा है मैंने इसको मैंने सोचा हरा होगा लेकिन ये सूखा निकला, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था वैसे ये। तो चलिए देखते हैं इसी से ही, इसको कद्दूकस करके मैं सोच रही हूँ डालती हूँ। तो ये इसका बाकी का, इसको डाल देते हैं डस्टबिन में। और काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 2 महीने हो गए होंगे इसको रखे हुए, मुझे लगा अभी अच्छा होगा ये, लेकिन ये पूरा एकदम सूखा हुआ निकला अंदर से पानी तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। मैं बनाऊंगी मैदे से, तो मैदा है घर पे, और साथ में डालूंगी नारियल कद्दूकस करके, फिर चीनी डालूंगी उसके अंदर और दूध के अंदर, उसको बैटर को मिक्स करके फिर तेल में डीप फ्राई करूंगी। तो मैं थोड़ी सी तैयारी करके आपसे मिलती हूँ। तो पहले तो करनी पड़ेगी किचन खाली, ये बर्तन भी उठा देती हूँ, सारे के सारे जगह हो जाएगी। अभी अच्छा है, चलिए 2 कटोरी मैदा ले लेती हूँ, मुझे इतनी अच्छे तरह से आते नहीं है बनाने और मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो कुछ गड़बड़ होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से बनाते हैं पूरी प्रॉपर रेसिपी। और 2 कटोरी, थोड़ा सा मैं इसमें मिलाऊंगी आटा, क्योंकि प्योर मैदे के नहीं बनाऊंगी, तो मैंने ये 1/2 कटोरी ली है आटा, उसको मैंने छान लिया है अच्छी तरह से। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ना, और इसको मैं कर लेती हूँ मोटा मोटा कद्दूकस। वो जो आंटी बनाती थी ना, वो इतने सॉफ्ट लगते थे ना, मुझे तो बहुत मजा आता था खाने में। वो पता है क्या करती थी, बनाने के बाद ना एक बर्तन लेती थी कटोरी, और उससे दबा दबा के जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता था ना उसको निकाल देती थी, फिर भी वो इतने सॉफ्ट रहते थे कि मजा आता था। 2 दिन तक भी आप खाते रहोगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगते थे। मैंने तो बहुत ट्राई किया उनसे सीखने का, लेकिन एक्सपीरियंस एज का, तो काफ़ी एज थी वो उनकी जब वो 10 साल यहाँ पे, तो कम से कम 12-13 साल पहले की बात होगी जब मैंने उनके हाथ से खाए थे, तो उस टाइम पे भी उनकी काफ़ी अच्छी एज थी, तो आप सोचिए कितना एक्सपीरियंस होगा उनके पास। लेकिन बहुत अच्छे बनाती थी वो ना, मज़ा आ जाता था। और उनके हाथ का मैंने हलवा भी खाया, सूजी का हलवा, वो भी बहुत टेस्टी बनाती थी। वो सूजी को ना एकदम धीरे धीरे पकाती थी, मतलब भूनना जब होता था ना बहुत धीरे धीरे भूनते थे वो, और वो लाल भी नहीं होती थी लेकिन वो पकी हुई रहती थी, एकदम सफ़ेद जैसी सूजी रहेगी उनकी, और जब खाते थे तो कच्चापन बिल्कुल भी नहीं लगता। नहीं तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब तक सूजी हल्की सी लाल ना हो जाए, उसका कलर चेंज होना चाहिए, तब सूजी पक जाती है, लेकिन वो इतनी धीरे धीरे पकाती थी ना, उसको बहुत टाइम लगा के पकाती थी। और जिस जहाँ पे हम रहते थे ना, उस एरिया में उनके सूजी का हलवा और मालपुए इतने फेमस थे ना कि कुछ भी फंक्शन हो, त्यौहार होता था, आंटी को बोलते थे स्पेशली कि हमारे लिए मालपुए बना देना आप और सूजी बना देना। जैसे ऑर्डर आते हैं ना, उस टाइप से उनके उनके पास ऑर्डर आते थे, लेकिन वो ऐसे प्यार में बना के देती थी, किसी से ऑर्डर वगैरह नहीं लेती थी। हम साथ में ही रहते थे, मतलब हम पीछे की तरफ रहते थे, हमारा घर पीछे की तरफ था और वो आगे की तरफ, उनके घर का काम चल रहा था ना, तो उन्होंने एक रूम ले रखा था किचन टाइप हमारे साथ में, तो वहाँ पे वो रहते थे। तब मैंने उनसे, वो तकरीबन वहाँ पे 1.5 या 2 महीने रहे होंगे, तो मैंने उनसे वहाँ पे खाया, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा बनाती थी वो। आधा नारियल मैंने, ये बच गया है,
और आधा नारियल मैंने ये कद्दूकस कर लिया है और इसको अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। और जो थोड़ा सा बचा था वो मैंने खा लिया लास्ट का क्योंकि वो कद्दूकस करने में ना थोड़ा हाथ कटने का डर लगता है, तो इसलिए मैंने उसको खा लिया। और मम्मी बोलती है नारियल कभी भी ऐसे नहीं खाना चाहिए, उसमें चीनी डाल के मिक्स करके डाल खाओ तो अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने भी थोड़ी सी चीनी ली ताकि गले में खराश ना हो, क्योंकि नारियल में बहुत तेल होता है ना तो वो गले में खराश करने लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी चीनी लिया मैंने, उसके साथ मिला के खा लिया, छोटा सा पीस बचा था वो। और अब मैं इसको मैंने एक कटोरी चीनी ले लिया तो ये डाल देती हूँ, इसको भी अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ ना, उसके बाद फिर दूध डालूंगी इसके अंदर। मुझे लगता है 2.5 कटोरी है मेरी, 2 कटोरी है मैदा और 1/2 कटोरी है आटा। तो चीनी तो ये मैंने और चीनी ले ली है, ये भी मिक्स कर देती हूँ क्योंकि थोड़े मीठे ही अच्छे लगते हैं मुझे लगता है। और थोड़ा सा इसमें डालूंगी नमक, बस इतना सा काफी होगा सारी चीजें। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर दूध, मुझे क्या लग रहा था कि इसके अंदर ना गांठे हो गई हैं, ये देखिए, लेकिन ये गांठे नहीं है, नारियल है ये, तो मैंने हाथ से इसको करना बेहतर समझा, गांठे नहीं है बिल्कुल भी और ये नारियल है, तो मुझे लगता है इतना ठीक होगा पतला। इस तरह से मैंने इसको कर लिया अभी, और इसको थोड़ी देर में सोच रही हूँ रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। उस अभी हो गया 10 से 15 मिनट इसको रखे हुए, और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने रख दिया तेल कि कैसा मेरा बैटर बना है और कैसा वो उसके अंदर मीठा है, थोड़ा सा ही लूंगी। पहली बार मैंने बनाया, कलर तो बहुत अच्छा है। अब इसके बाद देखती हूँ टेस्ट कैसा होता है इसका, मीठा कैसा होता है इसके अंदर। थोड़ा अंदर से घबराहट जैसी हो रही है, फर्स्ट टाइम बनाया है लेकिन वो आंटी कितने जबरदस्त होते हैं, मुझे आज तक उसका टेस्ट नहीं भूला, इतने अच्छे होते थे उनके। तो चलिए इसका कलर तो अच्छा आया वैसे, ये देखिए अभी और थोड़ा सा सिम कर देती हूँ गैस को, जल ना जाए, मुझे तो वही टेंशन है कि जले नहीं। मीठा अच्छा होगा ना तो फिर तो मैं जल्दी जल्दी बना दूंगी। वाह खुद ही तारीफ करे जा रही हूँ। खुद ही बनाया, खुद ही टेस्ट करना है, आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसा टेस्ट है इसका। काश ऐसा हो सकता ना कि हम बनाते और आप लोग खा के टेस्ट करके बताते इसका टेस्ट कैसा है, मजा आ जाता वैसे। चलिए मैं खा के बताती हूँ, अभी तो घर पे कोई नहीं है, शिल्पी है वैसे अंदर लेकिन वो भी क्लास लगा रही है अपनी, तो मैं ही टेस्ट करके बताती हूँ। मुँह में पानी आ रहा देख कलर उसका, तो गरम है ये देखिए, बाहर से तो क्रंची क्रंची है
अच्छे लग रहा है, मीठा भी सही है। तो मैंने सारे मालपुए बना लिए हैं और बैटर भी मेरा ख़त्म हो गया है, ये लास्ट वाला है यहाँ पे, और सारे बना के एकदम रेडी तैयार हो गए हैं मेरे। और अभी टाइम हो गया है 4:15। मैंने सोचा था 4 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 4:15 हो गए हैं। ये देखिए, तो जैसे भी बने खाने में तो टेस्टी हैं, बाकी अभी धीरे धीरे पता चलेगा जब ठंडे हो जाएंगे। एक और निकाल के रखा है अपने लिए यहाँ पे, इसको थोड़ी देर में खा के देखती हूँ कि अगर सॉफ्ट रहेगा तो इसका मतलब बहुत अच्छे बने हैं, और अगर हार्ड हो जाएंगे तो मैं फेल हो गई हूँ। लेकिन चलिए, ट्राई तो किया मैंने। और दूसरी बात यह है कि कोई उम्र नहीं होती है सीखने की, तो मुझे भी जैसे मन किया मालपुए बना के खाने के, मैंने भी बनाए और खा लिए, टेस्ट पूरा कर लिया, जो इच्छा थी उसको मैंने पूरा कर लिया। तो बस यही है, जब इच्छा हो जिस चीज़ की, जो मन करे करने का वो कर लो, और मेरी तरह हैप्पी रहो लाइफ टाइम। कुछ नहीं रखा है टेंशन लेके, जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए, मैंने तो आज बना के खा लिए मालपुए, और कोई उम्र नहीं होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, बनाने की। मेरी इच्छा हुई, मैंने बना के खा लिया। तो आप लोगों की भी इच्छा हो, जब मन करे जो मन करे करने का करिए, खुश रहिए, मेरी तरह हैप्पी रहिए। और इसके साथ ही करूँगी ब्लॉग का एंड, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।